बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो लेक्चर है जी, इससे पिछले में तो हमने पढ़ा था फोटोकॉपियर, जेरोग्राफी। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो आपका लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ एक्सेरोग्राफी, वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ एक्सेरोग्राफी, ये भी एक्सेरोग्राफी वाले प्रिंसिपल काम करता है। इसका मतलब ये है कि इसमें भी मेन आपके पास लेंस भी इस्तेमाल होगा, ड्रम भी इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब इसमें मेन चीज इसमें भी वही ड्रम, जिस तरह फोटोकॉपी मशीन में आपका ड्रम था, इसमें भी मेन आपके पास ड्रम ही होगा। उसमें आपका जिस डॉक्यूमेंट को आपने फोटोकॉपी करना है उसका इमेज ड्रम पे जाता है, फिर उस ड्रम को कोरो ड्रम की मदद से, एक इलेक्ट्रोड है जिसको कोरो ड्रम कहते हैं, उसकी मदद से उस ड्रम को पॉजिटिव चार्जेस उस पर फैलाए जाते हैं, उसको दिए जाते हैं ड्रम को पॉजिटिव चार्जेस। इसमें भी मेन उसी तरह ही होगा, gives positive charges to the drum by cord, cord drum की वजह से positive charges देती है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब drum को positive charges दिए जाएंगे तो पूरे drum के ऊपर आपके positive charges फैल जाएंगे। फर्क क्या है, वहां पर सिंपल आपकी लाइट इस्तेमाल होती है और उस लाइट इसमें जो थोड़ा सा मेन जाके जो डिफरेंस आता है वो यही आता है, उसमें जो लाइट इस्तेमाल होगी वो हाई एनर्जी लाइट इस्तेमाल होगी। लेकिन इसमें जो आप इसमें आप लाइट ऑर्डिनरी लाइट की जगह लेजर बीम इस्तेमाल होगी। यानी लेजर बीम आपके पास सिंपल आप ये कह सकते हैं कि लो पावर इस्तेमाल कर सकते हैं आप, और बेसिक आजकल ज्यादातर जो इस्तेमाल हो रहा है इंफ्रारेड इस्तेमाल है, इंफ्रारेड लेजर इस्तेमाल हुआ है आपके पास। तो मेन जो डिफरेंस है उसमें ऑर्डिनरी लाइट इस्तेमाल होती है, वो ऑर्डिनरी लाइट जो आपके पास इस्तेमाल होती है वो आप उसका ये जो उस उसमें और मेन चीज में लेजर लाइट इस्तेमाल होती है, लेजर लाइट आपका लो पावर इस्तेमाल होगी लेजर लाइट आपके पास, ठीक है जी। और उसमें आपके पास जो लाइट इस्तेमाल होगी वो थोड़ा हाई एनर्जी लाइट है, ऑर्डिनरी लाइट है। तो इसमें मेन डिफरेंस ये आ गया आपके पास कि वो उसमें ऑर्डिनरी लाइट है, इसमें आपके पास लेजर लाइट इस्तेमाल हो, ठीक है। यूजिंग लेजर लाइट ऑफ लो पावर, और ज्यादातर इसमें आपके पास इंफ्रारेड सॉलिड लेजर डायोड इस्तेमाल, इंफ्रारेड लेजर डायोड इस्तेमाल आजकल कॉमनली ये ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। सेम वही चीज है, इसको मैं ज्यादा थोड़ा सा सेम आपका एरिया फ्रॉम एक्सपोज टू लाइट, जो एरिया ऑफ ड्रम जिसमें लाइट पड़ी न्यूट्रलाइजेज पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्जेस भी थी न्यूट्रलाइज, पॉजिटिव चार्जेस क्या हो जाएंगे न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। एरिया ऑफ ड्रम नॉट एक्सपोज टू लाइट retain their positive charges। एरिया ऑफ ड्रम जो लाइट से एक्सपोज नहीं होंगे वो अपने पॉजिटिव चार्जेस को संभाल के रखेंगे, ठीक है।
देन नेगेटिवली टोनल डस्ट इज गिवन, नेगेटिवली टोनल डस्ट इज गिवन, फिर उसको क्या दिया जाएगा, वही नेगेटिवली टोनल डस्ट दी जाएगी, वही नेगेटिवली टोनल डस्ट जो है वो क्या हो जाएगी, स्टिक्स टू पॉजिटिव चार्जेस, प्लेस ऑन ड्रम, जो ड्रम के ऊपर पड़े उनसे स्टिक हो जाए, जो रिमेनिंग पॉजिटिव चार्जेस जो रह गए लाइट एक्सपोज होने के बाद उनसे डस्ट, ठीक है, ट्रांसफर ड्रम होगी, पेपर पर ट्रांसफर हो जाएंगे, वही डस्ट, डस्ट दैट डस्ट ट्रांसफर ऑन टू दी पेपर, वो आपके डस्ट किस पर ट्रांसफर हो जाएगी, पेपर पर ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक हो गया। फिर जो हीट जनरेट होगी, हीट जनरेटेड बाय द लेजर, मेल्ट्स द डस्ट, डस्ट को क्या करेगी, मेल्ट कर देगी, मेल्ट कर देगी, ठीक है जी। एंड टू गेट परमानेंट फोकस्ड इमेज ऑन पेपर, और आखिर में क्या हो जाएगा आपका परमानेंट फोकस्ड इमेज बन जाएगा, किसके ऊपर, पेपर। ठीक है जी, यहां तक बात समझ इसकी, यानी मेन आपका कि देख ले क्या हो गया, लेजर प्रिंटर है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, एग्जाम्पल है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसका प्रिंसिपल वही है जो फोटोकॉपियर का है, लेकिन मेन डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस उसका ये है कि आपके पास उसमें फोटोकॉपियर में ब्राइट लाइट इस्तेमाल होती है, इसमें आपकी लेजर लाइट इस्तेमाल होती है, फोटोकॉपियर यूज सिंपल फोटोकॉपी सिंपल फोटोकॉपी यूज ब्राइट लाइट, ठीक है, और साथ लेंस, लेकिन इसमें आपका क्या इस्तेमाल होगा, लेजर लाइट इस्तेमाल होगी लो पावर की, और वो किस उसका सोर्स क्या होगा, ज्यादातर जो आजकल इस्तेमाल हो रहा है वो आपका इंफ्रारेड सॉलिड लेजर डायोड, क्या इस्तेमाल, इंफ्रारेड सॉलिड लेजर डायोड इस्तेमाल हो रहा है आपके पास, ठीक हो गया, सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट लेजर डायोड, मेन इसमें डिफरेंस क्या है, उसमें ऑर्डिनरी लाइट इस्तेमाल होगी, वो ब्राइट लाइट इस्तेमाल होगी, ऑर्डिनरी लाइट, ब्राइट लाइट और लेंस इस्तेमाल होगा, इसमें आपका लेजर लाइट इस्तेमाल होगी लो पावर की, और ज्यादातर आजकल कौन सी इंफ्रारेड सॉलिड स्टेट लेजर आपके इस्तेमाल होते हैं, सॉलिड स्टेट लेजर डायोड, इंफ्रारेड सॉलिड स्टेट लेजर डायोड आपके इस्तेमाल, उसमें भी ड्रम है, कॉमन क्या है, उसमें भी ड्रम है, इसमें भी ड्रम इस्तेमाल होगा, उसमें भी क्या होता है, कोरोट्रॉन ड्रम के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस छिड़काव करता है, स्प्रिंकल द पॉजिटिव चार्जेस, इसमें भी कोरोट्रॉन क्या करेगा, आपका पॉजिटिव चार्जेस का छिड़काव करेगा, बाद जगह पर होता है कि कोरोना वायरस भी इस्तेमाल हो जाती है, आपके पास कोरोना वायरस कोरोट्रॉन की जगह दूसरी जो
तो ये आपके पास उसमें पॉजिटिव चार्जेस ड्रम पे उनका छिड़काव होता है कोरोड्रम की मदद से, इधर भी उसी तरह होगा, उधर भी पूरे ड्रम के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस फैल जाते हैं, इधर भी पॉजिटिव चार्जेस फैल जाएंगे, उधर भी जब वो ड्रम लाइट गुजरती है तो लाइट एरिया के जो चार्जेस हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, डार्क एरिया के चार्जेस पॉजिटिव रहते हैं। इधर भी जब आपकी लेजर बीम आपका जो वो हिस्सा ड्रम का जो लेजर बीम से एक्सपोज होगा उस पे आपके पॉजिटिव चार्जेस न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और वो आपका ड्रम का एरिया जो लेजर लाइट से एक्सपोज नहीं होगा, जो डार्क एरिया होगा उस पे पॉजिटिव चार्जेस मौजूद रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ एरिया पे पॉजिटिव चार्जेस मौजूद रहेंगे, कुछ एरिया पे आपके पॉजिटिव चार्जेस मौजूद नहीं रहेंगे। और पॉजिटिव चार्जेस किस एरिया पे मौजूद रहते हैं, इमेज एरिया पे मौजूद है, जो इमेज बनता है जिस डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकलना है या जिस डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी। अब फिर देखिए उसमें भी इसका ही होता है, ड्राई ब्लैक पाउडर जिसे टोनर कहते हैं उसको ड्रम के ऊपर फेंका जाता है, इसमें भी उसी तरह होगा, ड्राई ब्लैक पाउडर टोनर ड्रम को दिया जाता है, उसमें क्या होता है वो ड्राई ब्लैक पाउडर इमेज के जो पॉजिटिव चार्जेस है उनके साथ स्टिक हो जाता है, इधर भी जो पॉजिटिव चार्जेस ड्रम के ऊपर मौजूद है लेकिन ड्राई ब्लैक पाउडर टोनर जो है पॉजिटिव चार्जेस के साथ जाके स्टिक हो जाएगा, उधर भी इमेज पूरे का पूरा किसका बन जाता है, ड्राई ब्लैक पाउडर का, इधर भी पूरे का पूरा जो आपका किसका ड्राई ब्लैक पाउडर का बन जाएगा। उसके बाद क्या होता है, पेज वही आपका जो ड्राई ब्लैक पाउडर इमेज है वो जो ड्राई ब्लैक पाउडर होता है जो इमेज के ऊपर होता है वो सारे का सारा पेज पर ट्रांसफर हो जाता है, उसमें भी फोटोकॉपी बनेगी, इसमें भी आपका ड्राई ब्लैक पाउडर किसके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, पेज के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है जी, इस आखिर में जो हीट होती है उधर हीट पैदा करते हैं, उधर हीटेड रोलर्स होते हैं, इधर आपका प्रिंटर जो हीट पैदा करेगा, वो दोनों क्या करते हैं वो उस जो ड्राई ब्लैक पाउडर से मेल्ट करके परमानेंटली पेज के ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं, पूरा पूरा आपका पेज के ऊपर जो भी प्रिंटेड इमेज आपका पूरे का पूरा पेज के ऊपर बन जाता है। तो इसमें बस ये आपने ये ध्यान में रखना है कि सबसे पहली बात कि आपके पास किस प्रिंसिपल पे काम करता है, एक्सेलोग्राफी मेन वही फोटोकॉपियर मशीन वाला प्रिंसिपल है। मेन फर्क क्या है, फोटोकॉपियर में आपकी ब्राइट लाइट इस्तेमाल होती है, लेंस इस्तेमाल होता है, इसमें आपका लेजर लाइट इस्तेमाल होती है लो पावर की, और आजकल जो नॉर्मली इस्तेमाल हो रहे हैं वो कौन से, आपके पास इंफ्रारेड सॉलिड स्टेट लेजर डायोड इस्तेमाल हो रहा है। ठीक होगी, उधर भी क्या होता है आपका पॉजिटिव चार्जेस कोरोट्रॉन वायर कोरोट्रॉन की मदद से आपके पॉजिटिव चार्जेस पूरे ड्रम को मिल जाएंगे, पॉजिटिव चार्जेस पूरे ड्रम के आगे पूरे ड्रम के ऊपर फैल जाएंगे। फिर जो हिस्सा जिस हिस्से पर लाइट जो लाइट एरिया होगा जिस हिस्से पर लाइट पड़ेगी उस एरिया के आपके पॉजिटिव चार्जेस न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, जिस हिस्से पर लाइट नहीं पड़ेगी वो आपके पॉजिटिव चार्जेस ड्रम के ऊपर मौजूद रहेंगे, वो न्यूट्रलाइज नहीं होंगे, वो मौजूद रहेंगे। लेकिन इसका मतलब है डार्क एरिया अपने पॉजिटिव चार्जेस को बचा लेगा। फिर एक नेगेटिव डस्ट है जिस टोनर कहते हैं, वो क्या होती है उसका छिड़काव किया जाता है किसके ऊपर, ड्रम के ऊपर, वो नेगेटिव जो ड्राई ब्लैक पाउडर है वो जो पॉजिटिव चार्जेस ड्रम के ऊपर मौजूद है उनके साथ जाके स्टिक हो जाता है। यानी इसका मतलब आपका पूरा इमेज जो है वो उसके ऊपर क्या आ जाती है, उसके ऊपर टोनर डस्ट आ जाती है। वही टोनर डस्ट जब पेज के ऊपर ट्रांसफर होती है तो पूरे का पूरा इमेज आपका पेज पर ट्रांसफर हो जाता है डस्ट की फॉर्म में, और वही जो लेजर वो आपकी हीट लेजर बीम की मदद से पैदा होती है, जो हीट जनरेटर लेजर से पैदा होती है वो क्या करती है उस जो आपका पूरे का पूरा मेल्ट करती है, मेल्ट करके वो डस्ट को मेल्ट करती है, मेल्ट टोनर डस्ट। ठीक है, और क्यों मेल्ट करती है, ताकि आपका पेपर के ऊपर पूरा एक परमानेंट फोकस्ड इमेज बन जाए आपका, ये आपके पास है। उसके बाद इसका एक और सी पार्ट जो है वो इंक जेट प्रिंटर, इसका बेसिकली आपके पास जो चीज होती है वो आपका इंक सप्लाई, इसके
उसके ऊपर आपके पास एक पंप लगा होगा, जो कि इस इनको सक करता है। ये पंप ऊपर जहां पे आपके पास करंट हेड तक पहुंचती है, नोजल करंट हेड की नोजल ऑफ करंट हेड, ये आपके पास नोजल ऑफ करंट हेड है। यानी इसका मतलब ये होगा ये जो इंक है ये इस पंप की मदद से इस करंट हेड तक पहुंचती है और नोजल में से ड्रॉप्स की फॉर्म में इसके आगे आपके पास दो कंपोनेंट्स हैं। ये आपके पास है चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स, चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स। ऐसे इलेक्ट्रोड्स हैं जो कि ड्रॉपलेट्स को चार्ज करेंगे। इनका आगे ताल्लुक चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को जो कंट्रोल कर रहे हैं उन्हें कहेंगे चार्जिंग कंट्रोल। ये नीचे एक इंस्ट्रूमेंट इसको क्या कहते हैं चार्जिंग कंट्रोल। ये चार्जिंग कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस लेता है इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम कंप्यूटर, किससे इंस्ट्रक्शन लेता है कंप्यूटर से इंस्ट्रक्शन। ये जब कंप्यूटर से इंस्ट्रक्शन मिलती है चार्जिंग कंट्रोल इन चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को ऑन कर देता है और ड्रॉपलेट्स चार्ज होना शुरू हो जाते हैं, और जब कंप्यूटर से इंस्ट्रक्शन मिलती है चार्जिंग कंट्रोल चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को ऑफ कर देता है, ड्रॉपलेट्स आपके चार्ज होना बंद हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स में से गुजरने से पहले सारे ड्रॉपलेट्स अनचार्ज थे, सारे ड्रॉपलेट्स अनचार्ज, लेकिन चार्जिंग इलेक्ट्रोड में से गुजरने के बाद ड्रॉपलेट्स चार्ज भी होंगे और अनचार्ज भी होंगे, डिपेंड करेगा इन इंस्ट्रक्शंस पे। सवाल यह पैदा होता है कि किस वक्त आपके चार्जिंग ड्रॉपलेट्स चार्जिंग कंट्रोल चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को ऑन करें। याद रखना है कि जिस इंक की हमें जरूरत नहीं है पेज पे जाने की, जिस इंक की हमें जरूरत नहीं है उस वक्त आपके चार्जिंग कंट्रोल्स क्या करेंगे चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को ऑन कर देंगे, आपके ड्रॉपलेट्स चार्ज होना शुरू। यानी इसका मतलब है जब वो चार्जिंग इलेक्ट्रोड में से गुजरेंगे तो वो चार्ज होकर गुजरेंगे, जो ही उसको पास करके आगे जाएंगे तो वो आपके ड्रॉपलेट्स क्या होंगे चार्ज होंगे, ड्रॉपलेट्स चार्ज आगे जाएंगे। आगे दो पैरेलल प्लेट्स लगी हैं जिनको कहते हैं डिफ्लेक्शन प्लेट्स, जिनको क्या कहा जाता है डिफ्लेक्शन प्लेट्स। जो ही चार्ज ड्रॉपलेट्स इसमें से गुजरेंगे चार्ज ड्रॉपलेट्स, तो जाहिर बात है वो चार्ज है, इन प्लेट्स के ऊपर भी चार्ज है, लिहाजा आपके ये जो ड्रॉपलेट्स हैं चार्ज ड्रॉपलेट्स ये डिफ्लेक्ट हो जाएंगे और ये सीधे एक इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम देते हैं ग्रेटर उसमें चले जाएंगे और आपके पेज पे नहीं पहुंचेंगे, पेज पे नहीं पहुंचे।
और जिस इंक की हमें पेज पे जरूरत होगी, जिस इंक की हमें पेज पे जरूरत होगी, फॉरन चार्जिंग कंट्रोल चार्जिंग इलेक्ट्रोड को क्या कर लेंगे, ऑफ कर लेंगे। अब जो ड्रॉपलेट इसमें से गुजरेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, अनचार्ज होंगे। जब अनचार्ज ड्रॉपलेट्स आगे जाएंगे तो वो डिफ्लेक्शन प्लेट में से बगैर डिफ्लेक्ट हुए गुजर जाएंगे और सीधा कहां पे पहुंच जाएंगे, पेज। ठीक होगी जी बात। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपके पास आप ये कह सकते हैं कि सबसे पहले क्या होगा जी, इंकजेट प्रिंटर भी, इंकजेट प्रिंटर भी क्या करेगा अपने ऑपरेशन में किस चीज को इस्तेमाल करेगा, इलेक्ट्रिक चार्जेस को, यूज्ड इलेक्ट्रिक चार्जेस इन इट्स ऑपरेशन। सही। उसके बाद जो आपका जो प्रिंट है, प्रिंट है प्रोड्यूसेस अ थिन स्ट्रीम ऑफ इंक, या इसको यूं भी कह सकते हैं इंक इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपर्स, दीज आर स्मॉल ड्रॉपर्स। ठीक है जी। While shuttling back and forth, एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ बुक में शटलिंग, अगर आप पुराने देखें तो वो जो आपका प्रिंटर है बैक एंड फोर्थ आगे पीछे मूव करता रहता है, तो आगे पीछे जब आपका ऑपरेंट हेड पेपर के ऊपर मूव करेगा, ठीक है जी, अक्रॉस द पेपर, जब आपका वो प्रिंट हेड अब पेज के ऊपर बैक एंड फोर्थ मूव करेगा। लेजर प्रिंटर में तो सिंपल आपका प्रिंट निकल आता है, लेकिन अगर आप पुराने प्रिंटर में देखो तो आपको आवाज भी ज्यादा आती है और बकायदा आपको महसूस होता है जैसा प्रिंट हेड आपका आगे पीछे मूव कर रहा है। वो जब आपका प्रिंट हेड पेपर के ऊपर आगे पीछे क्रॉस द पेपर आपका पेपर के ऊपर आगे पीछे मूव करता है, तो इस दौरान वो अपनी नोजल में से जो इंक होती है उसको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में बाहर निकालता है, ठीक है, जिसे आप समझ लो पूरी ड्रॉपलेट्स की स्ट्रीम बन जाती है, ड्रॉपलेट्स की लहर बन जाती है, ड्रॉपलेट्स की नदी सी बन जाती है सीधी, ठीक है जी। इसके दौरान दीज ड्रॉपलेट्स पासिस थ्रू टू कंपोनेंट्स, नंबर वन चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स, दैट कंट्रोल्ड बाय चार्जिंग, दैट कंट्रोल्ड बाय चार्जिंग कंट्रोल अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन बाय कंप्यूटर, according to instructions given by computer. अब ये किस तरह कंट्रोल करता है, प्रिंट है over the region of paper which are not to be inked
चार्जिंग कंट्रोल अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन ऑफ कंप्यूटर ऑन द चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स क्या होगा जी प्रिंट हेड जब के उस पेपर के उस रीजन पे से मूव करता है जो जिस जिसने अभी इंक की जरूरत नहीं है। मैं आपको मिसाल देता हूं कि आपका आप एक ऐसे पेज का प्रिंट कर रहे हैं जिस मिसाल के तौर पर फिजिक्स लिखा हुआ है। आप और करें कि जब तक टी लिखा जा रहा होगा उस वक्त तक आपको इंक जरूरत है पेज में, आपको इंक जरूरत है पेज में। जब आप टी खत्म करने के बाद एच पे जाएंगे दरमियान में देखें गैप है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपको इंक की अब पेज पे जरूरत नहीं है। तो जब आपका प्रिंट हेड ऐसे रीजन पे से गुजरेगा जिस रीजन पे इंक नहीं है, जिस रीजन पे आपको पेज पे इंक की जरूरत नहीं है, तो फौरन कंप्यूटर से इंस्ट्रक्शन लेते हुए चार्जिंग कंट्रोल आपका चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को क्या कर देगा, ऑन कर देगा। नाउ जब ऑन करेगा तो क्या होगा, नो ड्रॉपलेट्स कमिंग आउट ऑफ चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स विल बी चार्ज होंगे। वो क्या होंगे, अब जो चार्जिंग इलेक्ट्रोड चार्जिंग कंट्रोल ने चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को ऑन कर दिया, लिहाजा आप जो ड्रॉपलेट्स चार्जिंग इलेक्ट्रोड में से गुजर जाएंगे वो क्या होंगे, चार्ज होंगे। These charged droplets, deflects by deflection plates and goes to instead of paper. ठीक हो गई जी। इसका मतलब है कि जिस इंक की ऐसे रीजन में से जब प्रिंट हेड गुजरेगा जिसके ऊपर कोई लिखाई नहीं होगी, जिसको प्रिंट नहीं करना, तो इंक तो पीछे से सप्लाई नहीं रुकेगी। उसका क्या तरीका होगा, जो चार्जिंग कंट्रोल कंप्यूटर से इंस्ट्रक्शन लेके चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे, लिहाजा ड्रॉपलेट्स चार्ज होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब आप इतनी देर में जिस रीजन यानी जब तक आपका प्रिंट है उस रीजन में से गुजर रहा है जो लिखा हुआ नहीं है जिसमें इंक की जरूरत नहीं है, उस टाइम तक आपके चार्जिंग इलेक्ट्रोड ऑन रहेगा और जितने ड्रॉपलेट्स निकलते रहेंगे वो क्या होंगे, चार्ज होंगे। और वो चार्ज ड्रॉपलेट जब डिफ्लेक्शन प्लेट में से गुजरेंगे तो डिफ्लेक्ट होंगे अपने चार्ज की वजह से सीधे किस पे चले जाएंगे। इसी तरह व्हेन द प्रिंट हेड मूव्स over the region of paper which is to be inked, जो क्या होगा इंक होगा। तो अब क्या होगा, यानी इसका मतलब है अब प्रिंट हेड उस रीजन पे से गुजर रहा है, टेस्ट उस रीजन पे से गुजर रहा है जो रीजन आपका लिखाई वाला है, यानी अब आपको प्रिंटेड पेपर पे जिस पे आपने प्रिंट लेना है उस पर आपको इंक की जरूरत है। Now, charging controls will off the charging electrodes, off the charging electrodes. ठीक है जी, बाय कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन, इस कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन के लिए
चार्जिंग इलेक्ट्रॉन चार्जिंग इलेक्ट्रोड को क्या करने का आफ्टर है, नॉट ड्रॉपलेट्स, नॉट ड्रॉपलेट्स कमिंग आउट ऑफ इलेक्ट्रोड्स विल बी अनचार्ज, विल बी अनचार्ज. सो फिर क्या होगा, सो देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ डिफ्लेक्शन प्लेट्स, डिफ्लेक्शन प्लेट्स ऑन अनचार्ज्ड ड्रॉपलेट्स. डिफ्लेक्शन प्लेट्स का कोई असर नहीं होगा उन पे. दीज अनचार्ज्ड ड्रॉपलेट्स go straight on to the paper. सीधे किस पे चले जाएंगे, तो मेरे ख्याल आपके लोगों को आप समझ आ गया होगा कि जो इंकजेट प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर में कंस्ट्रक्शन में इंक सप्लाई चैम्बर है, जो ऊपर पंप है जो इस इंक सप्लाई को उठा के प्रिंट एड तक लेके जाता है, नोजल ऑफ प्रिंट एड तक, नोजल ऑफ प्रिंट एड में वो क्या करती है छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में प्रिंट एड तक आगे, प्रिंट एड क्या करता है अपनी नोजल की मदद से उन ड्रॉपलेट्स को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में अपने अंदर से निकालता है, पूरी एक ड्रॉपलेट्स की धार निकालता है, वो सारी की सारी अनचार्ज होती है. ठीक होगी. अच्छा, अब जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी थी कि अगर आप जो प्रिंट कर रहे हैं वो ग्लव्स है, फिजिक्स लिखा हुआ, तो जब तो प्रिंट हेड इस पी के ऊपर से मूव कर रहा होगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो उस एरिया में से प्रिंट हेड उस एरिया के ऊपर से मूव कर रहा है जो कि इंक है, यानी लिखा हुआ है, उस पे इंक की जरूरत है, इंक एरिया पे से गुजर रहा है, तो चार्जिंग कंट्रोल चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को ऑफ कर देगा और क्या होगा, आपके जितने ड्रॉपलेट्स चार्जिंग इलेक्ट्रोड में से गुजरेंगे, क्योंकि चार्जिंग इलेक्ट्रोड ऑफ है, लिहाजा जितने आपके ड्रॉपलेट्स उसमें से गुजरेंगे वो सारे के सारे अनचार्ज गुजरेंगे. जब वो अनचार्ज गुजरेंगे तो वही अनचार्ज जब डिफ्लेक्शन प्लेट में से गुजरेंगे तो डिफ्लेक्शन प्लेट पर उनपे किसी किस्म का कोई असर नहीं होगा और सीधे किस पे चले जाएंगे, पेज पे, तो आपका वो जो प्रिंट है वो उसी सूरत में आ जाएगा. अब जिस तरह पी लिखा गया, मैं मिसाल दे दूंगा, उसके बाद दरमियान में आपका ऐसे एरिया आ गया जो कि इंक नहीं है. अब जब प्रिंट हेड आपका ऐसे एरिया में से गुजरेगा जो कि इंक्ड नहीं है, तो फौरन कंप्यूटर से इंस्ट्रक्शन मिलेगी चार्जिंग कंट्रोल्स को, चार्जिंग कंट्रोल और चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को क्या कर देगा, ऑन कर देगा. जो ही चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स ऑन होंगे किस एरिया के लिए, जो इंक नहीं है, जब आपका प्रिंट हेड उस एरिया में से गुजर रहा है जो इंक नहीं है, तो चार्जिंग इलेक्ट्रोड जो ही ऑन होगा, अब जितने ड्रॉपलेट्स उसमें से गुजरेंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, चार्ज. वही चार ड्रॉपलेट जब आपके डिफ्लेक्शन प्लेट में से गुजरेंगे तो डिफ्लेक्शन प्लेट पे भी चार्ज है, ड्रॉपलेट भी चार्ज है, लिहाजा वो क्या हो गया, चार्जेस एक दूसरे को, चार ड्रॉपलेट चार्जिंग प्लेट्स की वजह से डिफ्लेक्ट होकर पेज पे जाने के बजाय सीधे गटर में जाएंगे. तो इसका मतलब ये हुआ कि चार्जिंग इलेक्ट्रोड से पहले सारे ड्रॉपलेट्स अनचार्ज हैं, चार्जिंग इलेक्ट्रोड के बाद कुछ चार्ज हैं कुछ अनचार्ज हैं, और ये डिपेंड करता है चार्जिंग इलेक्ट्रोड का ऑन ऑफ होना किस पे, चार्जिंग कंट्रोल पे. चार्जिंग कंट्रोल चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को ऑन करता है सिर्फ उस टाइम जब आपका प्रिंट हेड ऐसे रीजन पे से गुजर रहा होता है जब जो कि इंक नहीं है और आपको अगले पेज पे इंक की जरूरत नहीं है. चार्जिंग इलेक्ट्रोड ड्रॉपलेट्स को ऑन हो जाता है, ड्रॉपलेट्स को चार्ज करना शुरू करता है, वो चार्ज ड्रॉपलेट्स डिफ्लेक्शन प्लेट से डिफ्लेक्ट होकर गटर. और जब प्रिंट हेड आपका ऐसे रीजन पे से गुजरता है जो कि इंक होते हैं, यानी अब आपको प्रिंटेड पेपर पे इंक चाहिए, चार्जिंग कंट्रोल चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को ऑफ कर देता है, अब जितने ड्रॉपलेट्स वो सारे के सारे ऑफ होने की वजह से अनचार्ज गुजरेंगे, और लिहाजा वो फिर डिफ्लेक्शन प्लेट में से भी स्ट्रेट गुजर जाएंगे, उसी का किस पे चले जाएंगे. तो ये आपका आज का लेक्चर, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टार्ट करेंगे.